ये कुल्फा बनाने का तरीका है, इतनी इतनी डंडियाँ छोड़ते हैं, बाकी आगे से मोटी मोटी काट देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इस तरह से इसको बारीक बारीक काटेंगे। इसको काटने के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर हम इसको पकाएंगे। ये कुल्फा कट गया है, अभी इनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैंने पकाने के लिए रखा है चूल्हे पर, और इसमें मैं ये मूंग की दाल मैंने भिगोई थी, तकरीबन 1 कप मूंग की दाल मैंने 1 घंटा भिगोई है, और इसको वॉश करके अच्छी तरह मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं नमक डालूँगी, हसबे ज़ायका नमक। 2 गिलास पानी में इसमें डाल लें इसको गलाने के लिए। जब ये पानी जल जाएगा फिर बाकी इसका जो काम है वो बाद में होगा। तकरीबन 1.5 किलो साग था, मैंने इसको उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। ये लहसुन की 2 पोतियाँ मैंने ली हैं, और तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हरा ज़ीरा है, ये बघार का सामान है, 1 टीस्पून ज़ीरा, और तकरीबन 15 लाल साबुत मिर्च, और लहसुन बारीक कटा हुआ तकरीबन 20 जवे। दही लूँगी इसमें तकरीबन 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून मैं इसमें से दही लूँगी। ये सब मैं ब्लेंड करूँगी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस। मैंने इसमें साग डाल दिया है, बस मैं चंद सेकंड चलाऊंगी। एक बार चलाया, दोबारा फिर इसमें मैं नमक डाल रही हूँ हल्दी डाल का। इसका सामान है जो मैंने दिखाया था, ऑयल के अंदर मैंने ये पका लिया। ये हमारा साग तैयार हो गया है।